सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेकी वीएस। तो गाइस, आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मोहम्मद आकिब सर को लेकर आपके जो डाउट्स थे वो सारे क्लियर करे जाएंगे। क्यों मोहम्मद आकिब सर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, क्या है उनके परफॉर्म करने की वजह, तो पूरा आपको बताया जाएगा और उनके नए कोरियोग्राफर के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आपसे छोटी सी विनती करना चाहूँगा, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ ही में बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं टेकी वीएस। तो आप लोगों का एक सवाल है कि मोहम्मद आकिब सर परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग इससे बेफिक्र हो जाइए। इस वीक आपको मोहम्मद आकिब सर का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा उनके जो न्यू कोरियोग्राफर हैं रुपेश सोनी सर के साथ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं उनका यहाँ पे लुक रिलीज़ हो चुका है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीक वो परफॉर्म करेंगे, बट आई एम नॉट श्योर। तो जैसा कि आपको बता दूं कि जो उनके पुराने कोरियोग्राफर थे पॉल मार्शल, वो हो गए थे कोविड-19 पॉजिटिव, इसीलिए उन्होंने शो को छोड़ दिया था। तो इसीलिए जो उनके न्यू कोरियोग्राफर हैं उनका नाम है रुपेश सोनी, जो कि इंट्रोड्यूस करे गए हैं आकिब साहब के न्यू मेंटर के तौर पे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आकिब साहब और रुपेश सोनी सर का न्यू लुक यहाँ पे रिलीज़ हो गया है। कुछ ही दिन में शायद इसका प्रोमो आ जाए, और मैं श्योर नहीं हूँ पर हो सकता है ये इस वीक परफॉर्मेंस करें। तो ऐसे इंटरेस्टिंग धमाकेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।